जब भी कोई पिक्चर क्लिक करता है तो मुझे निकल जाता है से चीज, और मैं जब भी कोई फूड पिक्चर क्लिक करती हूँ तो अपने आप ही मुझे निकल जाता है से गो चीज। तो आज मैं बना रही हूँ गो चीज से रोटी फिंगर्स, जो मैं आज बनाऊंगी गो चीज के मोज़रेला चीज के साथ। ये जो रोटी फिंगर्स मैं बना रही हूँ, ये मैं सबसे पहले तो डीप फ्राई नहीं करूँगी, इसको हम बिना फ्राई करे ही बनाएंगे। और ये फिंगर्स के अंदर ये मैं गो का मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इसकी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी ये है कि ये इतना स्ट्रिंगी होता है ना, कि जब हम इसको तोड़ के स्ट्रेच करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा अंदर से मेल्ट हुआ स्ट्रिंगी चीज़ निकलता है, जो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। मैंने ये गो मोज़रेला चीज़ लिया हुआ है, ये मैंने 150 ग्राम लिया है और इसको मैंने शेव कर लिया है। उसमें से थोड़ा सा चीज़ मैं पहले साइड में निकाल देती हूँ, और अब बचे हुए चीज़ में मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ ये बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न है, ये ऐड करेंगे। अब ये बारीक कटी हुई कुछ सब्जियां हैं, प्याज है, गाजर है एंड शिमला मिर्च है। आप सब्जियां अपने पसंद से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी सब्जियाँ ना 1/4 कप ली हुई है। अब ये सारी चीज़ों को मैं एक बार मिला लेती हूँ, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये 1 teaspoon चिली फ्लेक्स। आप हरी वाली मिर्च भी ले सकते हैं, तीखापन अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मेरे पास 1/2 teaspoon मिक्स हर्ब्स है, ये ले रही हूँ, आप धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं ऐड कर रही हूँ बहुत ही हल्का सा नमक, क्योंकि हम सब जानते हैं चीज़ में अच्छा खासा नमक होता है। अब ये स्टफिंग तो रेडी है, और ये मेरे पास 1 tablespoon जितना मैदा लिया हुआ है। बेसिकली मुझे एक थिक स्लरी बनानी है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ और एक स्लरी बना देते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे ये बची हुई रोटियाँ हैं, ये मैं ले लेती हूँ, और ये मैं ये वर्क स्टेशन पे लेके ये जो स्टफिंग हमने बनाया है ये मैं बिल्कुल सेंटर में भर रही हूँ। आपको पता है गो चीज़ 100% काउ मिल्क से बनाया हुआ है, एंड ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। कभी भी हमें ऐसे चीज़ें सा खाने का मन करता है और हम बाहर जाके कुछ अनहेल्दी खा के आ जाते हैं, उससे अच्छा है कि घर में ही कुछ अच्छा सा टेस्टी सा चीज़ी सा खाना बना के हम अपने बच्चों को खिलाएं। अब ये जो साइड्स है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये जो मैदे की स्लरी हमने बनाई है वो मैं लगा लेती हूँ। बेसिकली ये स्लरी जो है वो ग्लू का काम करेगी। और अब ये रोटी को मैं ऐसे घुमाते हुए एक अच्छा सा रोल बना देती हूँ। ये पहली वाली रोटी फिंगर तो रेडी हो चुकी है, बस ऐसे ही मैं और भी बना लेती हूँ। अब ये सारी रोटी फिंगर्स ना रेडी है शैलो फ्राई होने के लिए। अब मैं एक नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, जस्ट 1 to 2 teaspoon। आप ये बटर में भी बना सकते हो। और अब ये जो फिंगर का ये जो नीचे वाला साइड था वो मैं पहले तवे पे रख दूँगी। बहुत ज़्यादा तवे में ओवरक्राउड नहीं करेंगे, वरना पलटाने में बहुत मुश्किल होती है। अब ये फिंगर्स को पहले मैं हल्का सा घुमाते हुए ऑयल में एक बार कोट कर लेती हूँ, और फिर मीडियम फ्लेम पे हम पकने देंगे, ताकि जो भी ऑयल हमने ऐड किया था वो रोटी के हर तरफ लग जाए। अब ये रोटी फिंगर्स को हम मीडियम फ्लेम पे आराम से पकने देंगे और पलट पलट के पकाएंगे, जब तक कि वो अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए एंड क्रंची बन जाए। अब ये रोटी फिंगर्स को मैं निकाल देती हूँ, ये हर तरफ बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है इसके ऊपर। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है रोटी फिंगर्स, वो भी बिना फ्राई की हुई। अब इसको मैं सर्व करती हूँ। सर्व करने से पहले मैं ये फिंगर को लेके थोड़ा सा केचप में डिप कर लेती हूँ, और ये जो गो का मोज़रेला चीज़ थोड़ा सा हमने निकाला था वो मैं ये साइड में लगा देती हूँ, और अब सीधा लेके मैं ये सर्विंग प्लेट पे रख दूँगी, और ऊपर से थोड़े से चिली फ्लेक्स मैं ऐड कर देती हूँ, और ये जो ड्राई हर्ब्स हमने अंदर ऐड किए थे वो भी मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो लीजिए, तैयार है टेस्टी गो चीज़ एंड रोटी फिंगर्स, क्योंकि हर टेस्टी चीज़ में है गो चीज़।
ये अमेजिंगली टेस्टी चीज फिंगर्स है। लुक एट दिस, बोला था ना ये स्ट्रिंगी चीज होता है एंड बहुत ही टेस्टी होता है।